फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेड के की एप्लीकेशन जो है, बायो टाइम एप्लीकेशन, उसके हवाले से। तो अभी हमने इसके ऊपर जाना है, पर्सनल के ऊपर। इसमें जाके एम्प्लॉय को ऐड करवाना है और एम्प्लॉय एक न्यू ऐड करवा के देख लेते हैं। यहाँ से एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, डिपार्टमेंट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, पोजीशन भी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और एम्प्लॉयमेंट परमानेंट कर लेते हैं, और नाम दे देते हैं यहाँ पे टेस्ट, लास्ट नेम नहीं देते हैं, एरिया लाजमी देना है, ग्राउंड फ्लोर देते हैं। और ऐप स्टेटस में जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे ऐप स्टेटस को इनेबल कर देंगे। और इसके बाद अगर आप यहाँ से अगर फिंगरप्रिंट एनरोल करवाना चाह रहे हैं डिवाइस से, तो आप यहाँ से फिंगरप्रिंट एनरोल करवाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करना, यहाँ फिंगर सेलेक्ट करें और कन्फर्म करेंगे, तो जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो डिवाइस के ऊपर चला जाएगा, फिंगरप्रिंट का साइन बना हुआ आ जाएगा। और इसके बाद हम जाएंगे टेंडर सेटिंग में। यहाँ से हमने अपनी आईडी जो लॉगिन करनी है उसका पासवर्ड सेट करना है। सपोज मैं यहाँ से रख देता हूँ कोई भी पासवर्ड, ये मैंने रख दिया अपने डिवाइस का पासवर्ड, तो मैंने कंफर्म कर दिया। अब एम्प्लॉय आईडी 2 ऑलरेडी ऐड होगी, तो यहाँ से मैं 200 कर देता हूँ इसको, ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये एम्प्लॉय ऐड हो गया मेरे पास 200 के उस पर। तो अभी ये जिस तरह मैंने पहले ऑलरेडी एक ऐड करवाया हुआ है एम्प्लॉय, तो उसके अंदर ऐप स्टेटस इनेबल आ रहा है, ग्रीन कलर का साइन बना हुआ आ जाएगा। अब हम चलते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से अटेंडेंस आ रही होगी लाइव सीन, लाइव सिनेरियो में। तो जैसे ही मैंने चेक इन किया अपनी वैन के ऊपर, ये वैन का आईपी एड्रेस है मेरा, तो ये मेरा अटेंडेंस मार्क हो गई है। चेक इन पे मैंने एग्जैक्ट लोकेशन भी दे रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन चेक इन की है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आएगी जिस जगह से आपने अटेंडेंस मार्क की है। तो अभी हम चलते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, ये मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली है। एक आपको ये आईओएस स्टोर से भी मिल जाएगी एप्पल यूजर्स के लिए। और अभी हम यहाँ पे जाएंगे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे मैंने अपने सर्वर का एड्रेस दिया है, मेन मेरे पीसी का आईपी एड्रेस, और यहाँ से मैंने जो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो पोर्ट दी थी 8081 वो दे दी है। मैंने अपनी आईडी का पासवर्ड डालना है इसमें, तो मैंने अपनी जो आईडी का पासवर्ड रखा है मैं वो देने लगा। लॉगिन किया, तो जैसे ही लॉगिन हुआ है तो ये आपके सामने पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना वर्कआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी चेक इन कर रहा हूँ दोबारा से, तो जैसे ही मैं चेक इन के लिए जाऊँगा तो मेरा सामने मेरा फ्रंट खुल जाएगा कैमरे का, और मैंने लाइव सिनेरियो की पिक्चर ले ली। फंक्शन की ओके चेक इन करनी है, ओके करूँगा तो ये मेरा अटेंडेंस जो है मेरे पीसी के ऊपर जाके मार्क हो जाएगी, जैसे वो लाइव आई हुई थी आपके सामने। थोड़ा टाइम लेगा मगर सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से आप लेट, ई अर्ली लीव, एबसेंट और लीव ओवर टाइम, ये भी आप मार्क कर सकते हैं यहाँ से। वो ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से ऑप्शंस आ रही होंगी, चेकआउट, ब्रेकआउट, ओवर टाइम इन, ओवर टाइम आउट। ये उनके लिए है जो आपके एम्प्लॉयज ज़्यादातर ऑफिस से आउटसाइड रहते हैं और वो मार्क करना चाह रहे हैं अटेंडेंस वगैरह को, तो उनके लिए ये फीचर यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको पीसी के ऊपर भी दिखाऊंगा कि अटेंड का 3:45, 47 सेकंड पे जो अटेंडेंस मार्क हुई है वो ये आ गई है सामने रियल टाइम में। ये पिक्चर भी आ गई है, चेक इन भी आ गया है। तो ये आप इसको अटेंडेंस में जाके रिपोर्ट्स में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट में, फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। या शेड्यूल रिपोर्ट में जाएंगे तो डेली अटेंडेंस में चले जाएँ, तो ये आप डेली अटेंडेंस भी ले सकते हैं। यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके एम्प्लॉय आईडी लेंगे जिसकी चाहिए अटेंडेंस, कन्फर्म करेंगे तो आपके सामने वो अटेंडेंस आ जाएगी सारी। तो इस तरह से ये सारी सेटिंग आप करें तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। थैंक यू।